हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल माय वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। गाइस आप देख सकते हो आज मैं कैसे आई हूँ, एकदम कोई नो मेकअप नथिंग एवरीथिंग कुछ भी नहीं है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीम, ठीक है। आप मॉइस्चराइजर क्रीम भी कह सकते हो, कुछ भी आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशली दाग आपको दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ पे एक दाग है, ये भी बहुत बड़ा था, उसको मैंने कम कर दिया। हालांकि थोड़े दिन में उससे दूर थी, अब मैं फिर से इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने लगी हूँ, ठीक है। तो ये जो क्रीम मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इससे आपको दाग धब्बे भी हटेंगे, पिंपल्स भी आपके कम हो जाएंगे और आपके चेहरे थोड़ा सा ग्लो बहुत ज़्यादा हो। आपके चेहरे से अगर आप मान लो थोड़ा सा ज़्यादा खा ले हो तो ग्लो आपको इसमें करेगा, शाइन जरूर करेगा। और ये क्रीम आपको बहुत ऐसे ऐसे चीज़ों का समाप्त करेगा, जैसे बाद सकते हो आप डार्क सर्कल आई के नीचे आप यहाँ पे लगाओगे तो भी उसका काम करेगा, ठीक है। आप मान सकते हो आपके फॉरहेड थोड़ा सा काले हैं तो वहाँ पे भी लगाओगे तो भी आपका यह काम करेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसको मिलेगा। आप कुछ दिन बाद आप खुद रियलाइज कर सकते हो आपके फेस में पहले से और अब में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। तो आज का क्रीम इसी पे बेस है। आप अगर तो ज़्यादा बिजी हो जाते हो तो रात को सोने से पहले इसको लगा सकते हो, और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप सुबह भी लगा सकते हो, रात को सोने से पहले भी आप लगा सकते हो, और कहीं ड्यूटी पे जाना हो तब भी आप इसको लगा के जा सकते हो। आप अगर आप कंफर्टेबल हो तो लगाइए, अदरवाइज आप रात को लगाइए या फिर मॉर्निंग को आप लगा सकते हो। तो गाइस चलते हैं, हमें क्या क्या चाहिए आज के इस क्रीम को बनाने के लिए। ओके लेट्स सी गाइस, आज के इस वीडियो में हमें यानी कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं क्रीम, उसके लिए हमें चाहिए पतंजलि जेल, यानी कि मैंने पतंजलि का नहीं है, आप पतंजलि का ही लेंगे, ऐसा नहीं है, आप जो इस्तेमाल करते हैं आप वही लीजिएगा। और ये मैंने लिया है डाबर गुलावरी, आप जो लगाते हो वो लीजिएगा। ये मैंने लिया है ग्लिसरीन, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। ये आयु क्लिनजिंग मिल्क है, एक्चुअली मैंने आयु का लिया है क्लिनजिंग, बहुत से ब्रांडेड है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बट जब मेरी पार्लर हुआ करती थी, यानी कि जब मैं ब्यूटिशियन थी बिफोर टीचर, तो ये मेरे बहुत काम आया एंड इसका फ़र्क मैंने बहुत देखा है, इसका इस्तेमाल करके मैंने बहुत ज़्यादा फर्क देखा है बाकियों के, मतलब अगर कहें बाकियों के साथ अगर तुलना करें तो इसका मैंने बहुत ज़्यादा फर्क देखा है। साथ में हमें चाहिए एवियन विटामिन टैबलेट्स, ठीक है, जो 400 हैं, एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल्स चाहिए। ये कॉटन, इसका इस्तेमाल हम कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ठीक है, ऑप्शनल है। ये मैंने लिया है एक मोबाइल कवर खरीदने के बाद, एक मोटा सा तगड़ा सा एक कागज़ का टुकड़ा जैसा मिलता है कवर, उसको लिया है। आप सिम कार्ड खरीदने के वक्त जो सिम खोलने के बाद आपके मोबाइल में सिम के साथ देखना साइड में ऐसे रहता है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने बोल लिया है या क्रीम का डब्बा लैक्मे का, जो पहले बहुत इस्तेमाल करती थी मैं, इसके साथ भी मिक्सचर कभी कर लेती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं आप, इसमें क्रीम है, पहले मैंने जो बनाया था यही जो आप बनाने वाली हूँ इसी का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, बट मुझे भी अभी चाहिए लगाने के लिए, सो मैं ये बना रही हूँ, इसलिए ये लिया, मैं बना के इसी में डालूँगी, ठीक है। एंड ये है हमारे पास बोल, ये बोल हम इसमें बनाएंगे, और ये हमारे पास सीजर यानी कि कैची, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये ऑप्शनल हैं, आप पतंजलि का ही लेंगे पतंजलि का ही लेंगे ऐसा नहीं है, ये डाबर गुलाबरी के बहुत से ब्रांडेड आप वही लीजिए, ये भी ऑप्शनल, आप चाहे अगर इसको बिना के ऐसे फेस वॉश करके भी लगा सकते हो, इसका हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम आपको बाद में समझाएंगे। तो गाइस शुरू करते हैं हमारे आज के क्रीम बनाने के तरीके। सबसे फर्स्ट हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, ठीक है, हम देख सकते हैं एकदम कम हिस्से में हम लेंगे, एक देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, ये मैंने एकदम कम लिया, मैं कुछ ही दिनों का बनाऊंगी, लगभग 15-20 दिन कैसे बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने गुलाब जल लिया, उसके बाद ग्लिसरीन में ज़्यादा नहीं लूँगी, एकदम थोड़ा हिस्सा लूँगी, आप देख सकते हैं मैंने मिक्स किया ग्लिसरीन, ठीक है। इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे एलोवेरा जल, मैंने पहले ही कहा गाइस मैं 15-20 दिन के लिए बना रही हूँ,
आप जितने दिन के लिए बनाएंगे उसके हिसाब से दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने लिया पतंजलि एलोवेरा जेल। आपके पास जो अवेलेबल होगा आप वही ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस टैबलेट्स को वन बाय वन खोलूँगी। ज़्यादा नहीं मिलाऊँगी क्योंकि मैं 15-20 दिन के लिए बनाऊँगी तो सब नहीं खोलूँगी। फ़िलहाल मैं कम से कम 4 को मिलाऊँगी। ठीक है, 4 टेबलेट्स को मिलाऊँगी, 4 कैप्सूल्स को। इसको ऐसे मिलूँगी, इसको इस कोने पे मैं ऐसे छोटा सा कट कर दूँगी। कट करते ही इसके अंदर का सारा चीज़ इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको भी ऐसे इसको मिलाना है, एक एक करके आपको ऐसे इसको काटना है। आफ्टर दैट इसको में ऐसे आपको मिलाना है। ऐसे ऐसे काटे, इसको ऐसे मिलाइए। तो ये था हमारा, 4 मैंने ले लिया है। ये सारा चीज़ों का मैंने मिश्रण बना दीजिए बना दिया है, यानी कि सब जो जो चाहिए हमें वो डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से इसको मिला लेंगे, पूरा अच्छे से इसको मिला लेंगे। गाइस आप अच्छे से देखिएगा, इसको पानी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा ले लोगे तो ये पानी पानी जैसा हो जाएगा, तो आप ज़्यादा मत लीजिएगा, अपने हिसाब से लीजिएगा। देखिए पूरा एकदम अच्छे से बन गया है। ये थोड़ी देर रखने के बाद पूरा एकदम एकदम थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा क्रीम जैसा। ठीक है, ये हमारा एवरी टाइम क्रीम देने के लिए रेडी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। गाइस आप सेम टू सेम इसी चीज को आप अगर क्रीम के साथ बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। ये जैसे मैंने कहा आप भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, ये लेक्मी का क्रीम है। आप चाहो तो इसी क्रीम को बोल में लेकर उसके साथ विटामिन ई टेबलेट मिक्स कर सकते हो, एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हो। और आप अगर ऑप्शनल है, आपके आपका चॉइस है, ग्लिसरीन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और इन सारी चीज़ों का मिश्रण करके आप भी ऐसे क्रीम बना सकते हो। बट मैं आपको गाइड करूँगी कि आप जो मैंने बनाया है विदाउट कोई क्रीम, आप ये बहुत ज़्यादा बहुत ही बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। ये देखिए, ये मेरा क्रीम रेडी है। अब मैं अपनी क्रीम को इस डब्बे में डाल दूँगी। अब देख सकते हैं मैंने इस डब्बे में डाल दिया है। मैंने मैं थोड़ा सा भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि बहुत मेहनत से बनाती हूँ, बहुत से ऐसे ऐसे चीज़ों का चाहिए। ठीक है, तो मैं सबको एक साथ मिक्स कर दूंगी। ये मेरा क्रीम रेडी, और इसी का इस्तेमाल मैं अब से करने वाली हूँ। तो गाइस ये रही मेरी क्रीम, आप भी वैसे बनाइए। ये देखिए चार साइड में थोड़ा सा बचा हुआ था पहले का, इसको मैं अब कंटिन्यूसली लगाऊंगी, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह बना के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप खुद मुझे मैसेज कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, 100% श्योर। ओके गाइस, तो अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे कैसे इसका लगाएंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। ओके गाइस, तो आपने देख लिया आपने क्या किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया है। अब मैंने आपको कहा था मुझे क्या चाहिए, आयरन मिल्क क्लींजिंग जिसका इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया था, और भी कुछ चीज़ें हैं, कॉटन और ये कार्ड है कि नहीं, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने नहीं किया था, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम अब करेंगे। ठीक है, आप मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए हाथ में। ठीक है, एकदम छोटे हाथ को थोड़ा सा भिगाइए और यूं मुँह को थोड़ा सा उसमें भिगा लीजिए पानी को। ठीक सकते हैं, मैंने आज कोई मेकअप नहीं किया, मैं हालांकि मेकअप करती भी नहीं हूँ, सिंपल बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ, मुझे आई चाहिए एंड लिपस्टिक चाहिए, अदरवाइज मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा भिगा देंगे एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आयुर का मिल्क मैंने कहा था आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था जब मैं पार्लर थी मेरी और जब ब्यूटिशियन थी तब मैंने बहुत इस्तेमाल इसका किया था एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आया।
कस्टमर्स ने भी इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिया है। ठीक है, तो आप इसको यू लगाइए, हर जगह पे पहले लगा दीजिए नोज़। ठीक है, किसी भी जगह नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहो तो इसमें नेक को भी लगा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट सबको मिलता है, पर हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हम फेस के पीछे ही भागे देते हैं ना। आप बाकी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेक के भी, नेक में भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया था। आप यू इसको मिला लीजिए एंड अगेन सर्कुलर मोशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसको आप ऐसे मैसाज कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई भी हिस्सा आपको नहीं बचना चाहिए, आप पूरे हिस्से को लगाइए। यू पहले मिला लीजिए एंड आफ्टर दैट यू, ऐसे स्टाइल पे आप उसका मैसाज कीजिए। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप मैसेज करते रहिए आफ्टर दैट यू। ठीक है, सीजर, अगर आपको कोई भी मैसेज स्टाइल नहीं आ रहा हो तो मत कीजिए, मैं भी आपको बहुत से मैसेज के स्टेप्स होते वो नहीं बोलने वाली हूँ, इजी स्टेप बताइए ताकि आप एकदम घर में खेले खेले जैसे क्रीम लगाते वैसे कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लगा दीजिए अच्छे से, एकदम नीट एंड क्लीन की तरह इसको मैसेज कीजिए पूरे फॉरहेड में अच्छे से। इसके बाद आप आई का भी इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कोई इसमें कुछ नहीं होता, कोई इन्फेक्टेड कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिन बाद आपको ये मेरे स्पॉट्स भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ना अभी। मैंने पता है कुछ दिनों में बहुत सारे पिंपल हो गए थे क्योंकि मैं स्कूल में जाती आती हूँ, बहुत से धूल लगते हैं जिसका आने के बाद इतने फ्रेशनेस नहीं हो पाते, फिर ट्यूशन वगैरह वगैरह तो बिजी हो जाते लाइफ के इन कामों में और अदर्स बहुत से काम होते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते तो इसलिए पिंपल्स आ जाते हैं। उसके बाद अभी फिलहाल जो हम लॉकडाउन में हैं थोड़ा सा मेकअप कर रहे अपने आप को। ठीक है, तो आप ऐसे मैसेज कीजिए लगभग कम से कम 5 मिनट, अगर 5 मिनट भी आपके पास नहीं है, 2 मिनट है तो प्लीज 2 मिनट में कीजिए एंड जल्द से जल्द कीजिए यू। एंड जो कि स्किन है जोर जोर से नहीं, बस नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि मैं जोर से नहीं, ये मैं स्पीड से कर रही हूँ। ठीक है, आप ऐसे कीजिए एंड आफ्टर दैट जो मैंने कहा था कॉटन लिया था, आप कॉटन का इस्तेमाल अभी कर सकते हो, पर गाइस मैं कॉटन का इस्तेमाल अभी नहीं करती हूँ। हालांकि हमारे स्किन सॉफ्ट होते हैं तो सॉफ्ट चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कॉटन से ये चीज़ें और इसमें स्किन के साथ मिलाव हो जाता है। ठीक है, मैच हो जाता है तो मैं नहीं करती। मैं इससे इसको उठाऊंगी पूरे यू, देखिए एकदम नॉर्मल, इससे भी मैं धीरे से उठाऊंगी यू, देख सकते हैं, उठा के मैं इसको ऐसे रखूंगी। आप देखिए कितना गंदा, बहुत मेल निकलता है। मैं तो कहूँगी गाइस आपको कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप आयुर्वेद क्लींजिंग मिल्क कम से कम दिन में 3 बार या 5 बार लगा लेते हो तो कोई क्रीम की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, आप जब भी मतलब वहाँ से आके इसका इस्तेमाल करोगे फेस वॉश की जगह तो बहुत बढ़िया। सोप तो लगाओ ही मत, तो इससे करने से क्या होता है मुझे लगता है बहुत से मेल ऐसे निकल जाते आफ्टर दिस। हम मुकफ क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, देख सकते हैं, तो मैंने पानी ले लिया है। ठीक है, इस बोल में पानी लिया। अब मैं कॉटन का इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन आप लोग चाहो तो इस कार्ड की जगह कॉटन से आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं कॉटन से पूरा एकदम साफ कर दूंगी। ठीक है, पूरी अच्छे से साफ कर देना है आपको। आप लोग भी चाहो तो मुँह पे पानी डाल सकते हो, मैंने भी मुँह में थोड़ा सा पानी डाला है। ठीक है, पानी से मैंने मुँह को धोया है, उसके बाद मैं तौलिए से पूरा मुँह पोंछ लूँगी। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उस चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। पूरा मुँह मैंने इसे पोंछ दिया है एंड आप देखिए कितनी फ्रेशनेस है। मैंने कहा ना कोई भी क्रीम नहीं चाहिए अगर आप कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करोगे, 100% दावा है मुझे। ठीक है, कि कोई क्रीम की आवश्यकता नहीं है। एंड आफ्टर दैट जो मैंने बनाया है, ठीक है, एक्चुअली पिंपल वगैरह जिनका होता है वो थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, या जो हमेशा धूल में बाहर रहते तो इसके लिए अच्छा है। तो जो मैंने बनाया था वो अब मैं इस्तेमाल करूँगी। आप उसको लगाने के बाद एक ग्लो देखिएगा। दिखाई दे रहा है ना मुझे जो बनाया, आप लोगों को ना लगे कि मैं कोई दूसरा चीज़ लगा रही हूँ, जो मैंने बनाया वही मैं लगा रही हूँ और जिसको मैं कंटिन्यू लगाऊंगी। ठीक है, देखिए मैंने अच्छे से पूरे मेकअप लगा लिया,
गाइस अगर आपके मुंह पे ज्यादा पिंपल है, कम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इवियन विटामिन, जो ईवी है ना टेबलेट्स, उसका भी सेवन करें। वो आप उसको भी खाएं, ज़्यादा नहीं, अगर हफ्ते में आप 2-3 बार भी खाएं ना, वो आपको बहुत बढ़िया। आपको पता होना चाहिए कि इवियन विटामिन ई टेबलेट जो है वो त्वचा एंड बालों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रीम को अच्छे से मैसेज कर देंगे, अच्छे से इसको मिला देंगे। इस तरीके से हम मिला देंगे, देन आप देख सकते हैं एक अलग सा ग्लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप उसको लगा के सोइए, सुबह देखिएगा फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा आएगा। तो गाइस आप आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।